हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आप कह सकते हैं आपका मॉडल सेट भी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी वीवीआई प्रश्न मैथ का वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आप जो समझ सकते हैं समझिए, बट ये सभी प्रश्न वीवीआई हैं, ये आप सभी को हम बता दें। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। हम लोगों के बीच में प्रश्न की संख्या 20 है, बट हम लोग देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इस पार्ट में देखते हैं कहाँ तक होता है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है साथियों, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए शेयर करके। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके मैथ एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। तो ये जो वीवीआई प्रश्न है इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हल कर सकते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि अदि अदि HCF बराबर इतना, LCM ज्ञात करना है आपको। ठीक है, HCF दिया हुआ है तो LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है उसको लिख लीजिए, क्या क्या दिया है उसको नोट कीजिए। तो HCF दिया हुआ किसका, एक नंबर है, क्या है नंबर, 6, 5, 7 और 3, 0, 6 बराबर 9 दिया हुआ है। तो हम लोगों को LCM ज्ञात करना है, क्यों, इसी नंबर का 6, 5, 7 और 3, 0, 6 इसका LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सभी को पता है कि LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या होगा। तो LCM ज्ञात करने के लिए जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ नंबर, देखिए यहाँ पे 6, 5, 7 गुने 3, 0, 6 बटे HCF से इसको भागा दे देंगे, HCF से इसको भागा दे देंगे। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो कटने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो काटते हैं इसको, जब इसको हम लोग 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बार में कट गया, 2 बच गया, 9 चौके 36 आपका आ गया। अब जो आया है देखिए साथियों, आ गया है 6, 5, 7 गुने 34, इसको जब गुना कीजिएगा, ठीक है, जब इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 22, 33, 8। ठीक है, ये आपका LCM निकल के आ गया, यही तो पूछ रहा था, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, शून्यक का योग, शून्यक का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 4। उसी तरह से शून्यक का गुणनफल मतलब क्या दिया हुआ है साथियों, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आप सभी को ज्ञात करना है शून्यक का, यहाँ पे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, ठीक है, दिख रहा है, वैल्यू बैठा दीजिए, ये तो नहीं होगा, इस तरह से होगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 4 है, और इसके साथ एक्स गुना है, प्लस प्लस देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो 1 बैठा देंगे, तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1, लो ये आपका आंसर हो गया, है ना इजी, ये देखिए है ना इजी। इस चलिए चलिए साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में दिया क्या है, सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज ABC में अधिक कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो, तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर 2AB², ये होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कैसे सिद्ध करेंगे, इसका चित्र कैसे बनेगा बना लेते हैं। तो B समकोण है, तो ये समकोण मतलब इस प्रकार का त्रिभुज बनने वाला है। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया ये, और यहाँ पे सी, ये बी सी हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये बी बराबर ये कर बराबर ये है। ठीक है, तो सिद्ध करना है हम लोग को, तो चलिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि दिया क्या है, सबसे पहले उसको लिखिए आप, दिया है क्या दिया हुआ है कि ये बी सी एक त्रिभुज है।
ये भी सी, ये बी सी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज है और क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इस प्रकार के चित्र बनता है तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये बी बराबर बी सी, ये बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो ये बी बराबर बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ये बी बराबर बी सी दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोगों को सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखना जरूरी है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करना है क्या होगा, सिद्ध क्या करना है, तो ए सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 2ab का स्क्वायर, ठीक है, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रमाण, ठीक है, प्रमाण, प्रमाण लिखने के बाद अब हम लोग तरीके से सॉल्व करेंगे, किसमें, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो लिखेंगे कि समकोण, समकोण इस समकोण कौन, ये तो बीच में रहेगा बी, बी सी में, तो इसमें क्या होगा, आप सभी पाइथागोरस पर में जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का हल भी किए होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि होता है सर कि ए सी स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन क्या है, तो यहाँ पे लंब ये हम लोग ए बी मान लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी आधार बी सी का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, अब जनरली आप पढ़े होंगे, ठीक। चलिए हल्का सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये कहां से आया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस परमय से, देखिए इसलिए हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बारीकी से लिख दे रहे हैं, आपका एक भी नंबर कटे ना, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये सी का स्क्वायर, अब ये बी का स्क्वायर, सबसे पहले देखिए ए बी बराबर, तो यहां पे क्या दिया हम लोग, कहते हैं ए बी बराबर बी सी है, तो यहां पे हम लोग को सिद्ध करना है ये बी, तो बी सी की जगह पर ये बी रख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और बी सी की जगह पर ये बी रख देंगे, ये बी का स्क्वायर कहां से, तो यहां पे लिख दीजिएगा कि ये बी बराबर बी सी, ठीक है, या ब्रैकेट में शो कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि देखिए साथियों ए सी का स्क्वायर बराबर एक ए बी और एक ए बी, क्या हो जाएगा, दो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बस ये आपका आंसर हो गया, है ना, आसान। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फिर आपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, क्वेश्चन 4 देखते हैं कि बिंदु दिया हुआ है, कोई बिंदु है ये बी तथा बिंदु ये माइनस माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे साथियों कि क्या लिखेंगे, दिया जो भी हम लोग मानते हैं या दिया है उसको लिख लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसका हम लोग पी कर देते हैं, ठीक है, पी और इसको क्यू मान लेते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे माना, क्या माना, माना पी बराबर क्या होगा, ये बी मान लिए तथा पॉइंट क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस ए और माइनस बी मान लिए हैं साथियों, ठीक है, जहां तो क्या होगा कि एक्स वन बराबर ए हो जाएगा और वाई वन बराबर बी हो जाएगा, इसी तरह से एक्स टू बराबर माइनस ए और वाई टू बराबर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग मान लिए और यहां से हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आगे करना क्या है साथियों, अब हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे दूरी सूत्र किसके लिए, पी क्यू बराबर क्या होता है, तो दूरी सूत्र फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, तो होता है कि एक्स टू, एक्स टू में एक्स वन को घटाएंगे, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स टू की जगह पर कितना है उसको हम लोग बैठा देते हैं, तो एक्स टू की जगह पर क्या है उसको बैठाइए, सबसे पहले दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है, एक्स टू की जगह पर माइनस ये और वाई एक्स वन की जगह पर माइनस ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस वाई की जगह पर माइनस बी माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है और बीच में माइनस था, इस कारण से होल स्क्वायर रूट अंडर में रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करेंगे, एक और एक यहाँ पे माइनस दो ये का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस माइनस दो बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तनी सन अब बचल है, ठीक है, देखिए क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस 4b2। अब बात उठती है कि माइनस कहाँ चला गया सर, तो माइनस आपका गया वहां, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आ जाता है, ठीक है, इस बात को आप नोट रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 4 एक स्टेप दो स्टेप और बढ़ाते हैं हम सिर्फ, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। क्वेश्चन पाँच दिया हुआ कि मान निकालिए, चार तो हम लोग देख रहे हैं, पाँचवा नंबर देख रहे हैं कि मान निकालिए। मान निकालना है कि टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टू प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू मान ज्ञात करना। चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख रखा है, क्या करेंगे साथियों, तो दो का दो रहने देंगे, टेन 45, तो टेन 45 का कितना है, तो 45 का होता है एक, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस देंगे, साइन 30 का तो एक बटे दो होता है, ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू बटे दो, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, कोई आपत्ति नहीं होना, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस नहीं होगा साथियों, माइनस होगा, तो माइनस कॉस का कितना होता है, कॉस का भी एक बटे दो ही होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दो का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और एक को गुणा करेंगे दूसरे तो दो ही आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, एक बटे दो, एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, माइनस इसका भी सेम टू सेम वही आने वाला है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया तो दो, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए साथियों हम लोग आज पांच क्वेश्चन देखें, फिर हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ से पांचवा नंबर क्वेश्चन से आगे जो बचा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक। चलिए तब तक वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, पार्ट वन पार्ट टू सभी पार्ट को क्लियर कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद।